आज मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको कटिंग सिखा रहा हूँ पजामे की, वो भी समोसा कटिंग चलती थी पहले, अब समोसा नहीं है, नॉर्मल में आती है अम्ब्रेला में ही। ये देखिए, ये मेरे पास 2.25 मीटर कपड़ा है, ये आप डबल कर लें इसे और डबल करके कॉर्नर उठा लें यहाँ से। कपड़े का जॉइंट यहाँ से मिला लें जिससे कि कपड़े में जो जोड़ लगेगा वो आपका इक्वल हो। ये बनेगी आपकी चूड़ीदार। यहाँ से जरूर मैच कर लें क्योंकि यहाँ से अगर कपड़ा स्लिप होता तो आधा इंच का है फर्क, ये देखो, तो आप इसे जरूर यहाँ से इक्वल कर लें ऐसे हाथ लगा करके चेक कर लें। ये इक्वल आ चुका है। तो यहाँ से सबसे पहले निशान लगा लें, ये फोल्ड का हो गया आपका। हल्का सा क्रॉस में जरूर लें ऐसे, जिससे कि पजामी कभी भी उठे ना। मोरी है इनकी आपकी 10.25 इंच, 5.1 सू। अब यहाँ से अपना इनकी चूड़ी डालनी है हमने 10 इंच की। 10 से बेल्ट का आप माइनस कर लें, बेल्ट का आप 5 भी कर सकते हैं, 5.5 भी कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है बेल्ट कितनी चूड़ी लगाते हैं आप। ये लेंथ है, उसके बाद में आप लेंथ लेते हैं, इसकी लेंथ है 39, ये 39 आ गया। अब यहाँ पर निशान लगा लें आप, ये मोहरी का ही निशान है क्योंकि चूड़ी यहाँ से ही डलनी है आपकी, तो 5 इंच पर ही लगाएं जिससे कि ये आपके ओरे है तो ओरे बढ़ता है। तो ये ना थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ये मोड़ में आ जाएगा ये तो, ठीक है। चूड़ी से कोई फर्क नहीं है, 5-10 हाथ तो आप डाल सकते हो। लेंथ मैंने इसकी ले ली है यहाँ से 5.5 इंच बेल्ट माइनस करके, ये देखो ये आ गया। अब यहाँ से आप 10.5 इंच का आसन ले लीजिए, 10 भी ले सकते हैं, मैंने इसमें 5.5 बेल्ट रखे तो 10.5 है, बाकी 6 रखोगे तो 10 इंच पर काटोगे आप। थाइज है इनकी 26, तो 26 का मतलब हो गया आधा इंच, 13 × 26, ठीक है दोस्तों। अभी फ़िलहाल में यहाँ से आप निशान लगा लें 7 इंच पे, 7.5 भी ले सकते हैं आप और 7 भी ले सकते हैं, इसका आधा कर लें 3.5 इंच। ये आपकी थाइज का निशान है 13। अब इससे 2.5 इंच प्लस ले लें आप, 3 ले लें, जिससे कि आप मार्जिन भी जाएगा 16.5। जिसको लूज डालना है तो यहाँ से 16.5 आ गए, ठीक है। 2.5 इंच प्लस ये हमने कर लिया था, प्लस 1/2 इंच मार्जिन इसका, ये आपका आ गया है 16.5 इंच। अब आप ऊपर भी चले जाएं, ऊपर ये 16.5 इंच यहाँ से ले लें, ये देखो पजामी में कुछ नहीं है। अब आपको घुटना, जो हम घुटना नापते हैं इसका, तो इनका घुटना है मेरे पास में 18 इंच, तो 9 × 18। और जो लूज डालना चाहते हैं उनका लूज नाप है, जो टाइट डालना चाहते हैं वो टाइट नाप है। अब आप स्केल उठा लें, स्केल की मदद से आप यहाँ से इतनी शेप दें जिससे कि थाइज भी आपकी लूज ना हो और शेप भी आपकी अच्छी आए। आप देख सकते हैं 24 पे ही उठाना है आपने, क्योंकि ये शेप ठीक आती है, फिर यहाँ से आपका शेप पट्टी से नहीं घूमेगा, ये आपने हाथ की शेप से ही घुमाना है। ये देखो ये शेप आपकी प्लस में ही आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इक्वल घुटने की चाहिए तो फिर आप यहाँ से ऐसे घुमा सकते हैं,
ठीक है। बाकी सेब के अकॉर्डिंग चलोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, थोड़ा लूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, क्योंकि लूज ही कस्टमर ज़्यादातर ये डालती हैं, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बस आपने अब कैंची उठानी है, कुछ मत सोचो कुछ मत जानो, कटिंग अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं। अगर किसी भी तरह की कटिंग में आपने कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे आप पूछ सकते हैं, मैं अपना स्क्रीन पर नंबर भी डाल दूंगा, अगर कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो। ये टुक ज़रूर लगा लें क्योंकि मैन इसी का होता है, टुक आप लगाओगे तो इक्वल ही बनेगी, टुक से टुक उठाओगे। वो सिर्फ पजामे की छोटी बड़ी टांगें आती हैं, घूम जाती है फिर सही नहीं आती, वो इसी कारण आती है क्योंकि आप सिलाई लगाते वक्त ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है सर। अच्छा जी, अब इसमें मोहरी ज़रूर लिख दें क्योंकि अभी जब सिलाई लगाओगे आप तो जब ये अलग होगी, 10 इंच मोहरी मैंने लिख दी, 10.25 में तो 10 इस पर आ जाएगी। सबसे पहले आप इसका मार्कर लगा लें, तो ये देखें मैंने गरारी का निशान इसको उठा दिया है, तो गरारी उस हिसाब से लगाएं, अगर कपड़ा दबा करके। ये आपका जो पल्ला है वो आपके बुटीक लवर में आपका स्वागत है। मेरी बुटीक का नाम है साइन बुटीक और करनाल सेक्टर 6 में है, अगर किसी ने आना है तो आप आ भी सकते हैं यहाँ पर। स्टिचिंग के रेट बहुत अच्छे हैं हमारे, और बाकी जो मैं अभी आपको मैंने आज कटिंग सिखाई है आपको पजामी की, तो पजामी की बेल्ट रह गई थी क्योंकि किसी बोल आ गई थी दोस्तों, तो बेल्ट के बारे में मैं समझा देता हूँ आपको। ये आपकी बेल्ट मैं काट चुका था लेकिन मैं अभी समझा देता हूँ। हिप्स हैं 41 में 10 इंच प्लस रखो तो 51 हो गया, 51 का आधा यहाँ कर लें, और 8 इंच आपने बेल्ट सब 8 इंच रख लेनी है क्योंकि मार्जिन कभी कोई कारीगर ज़्यादा लेता है कोई कम लेता है, तो ये आपकी देख सकते हैं बेल्ट। और ये जोड़ निकाला था, ये जोड़ लगा दिया हमने, जोड़ करके आपकी बेल्ट ये कट चुकी है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।